गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी। बेसिक सीरीज चल रही है और ये है वीडियो नंबर 7, डिवीजन ऑफ डेसिमल विथ डेसिमल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे आऊंगा और स्टार्ट करेंगे कि डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं। पहले एक बात बता दूं कि हमने वीडियो नंबर 3 और 4 के अंदर देखा था कि डेसिमल का डिवीजन करते हैं अगर 10 से 100 से और 1000 से, तो हम सिर्फ पॉइंट का जंप करवाते हैं और पॉइंट के जंप के साथ साथ हम उसका आंसर लेते हैं। बट जब किसी डेसिमल का डिवीजन हम किसी डेसिमल से करते हैं तो कुछ स्टेप्स चेंज हो जाते हैं और वो स्टेप्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 0.06 डिवाइड बाय 0.2। आपको इस वीडियो के अंदर डिवीजन का एक बहुत ही कमाल का रूल सीखने को मिलेगा, वो भी आप एक बार देख लेना। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेता हूं, 0.06 डिवाइड बाय 0.2। अब इसको अगर मैं 0.06 में से पॉइंट निकाल दूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां पे पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसलिए मैं नीचे 100 लिख रहा हूं, और यहां पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए मैं इसको बाय 10 लिख रहा हूं। अब एक रूल आपको सीखना होगा, ये डिवीजन का ए बी सी डी फॉर्म है, तो जो डी है वो ए के पास जाता है और जो सी है वो बी के पास जाता है। तो ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा बन जाएगा, 6 × 10 डिवाइड बाय 2 × 100। अब हमने रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल में सीखा था, 2 छोटा है 6 बड़ा है, तो 2 3 जा और ये 0 0 कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है 3 और नीचे क्या बच रहा है 10। हमें मालूम है, हमने देखा था कि डेसिमल का डिवीजन 10 से 100 से और 1000 से करते हैं, तो सिर्फ पॉइंट को आपको जंप कराना होता है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन में लेफ्ट साइड में जंप करते हैं। अभी 3 के पास पॉइंट यहां पे है, अगर किसी नंबर के पीछे पॉइंट नंबर में पॉइंट नहीं दिख रहा है तो वो पॉइंट हमेशा नंबर के पीछे होता है। तो डिवीजन में पॉइंट लेफ्ट साइड में जंप करता है और 10 है इसलिए एक ही पॉइंट जंप करेगा, लेफ्ट साइड में एक स्टेप जंप करना है आपको, तो आंसर हो जाएगा 0.3। ये आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पे 0.42 डिवाइड बाय 0.14 है, तो मैं इसको पहले डिवाइड को हम लिख ले रहा हूं, 42 पॉइंट के बाद में 2 नंबर आ रहे हैं, तो 42 बाय 100 और पॉइंट के बाद में 2 नंबर आ रहे हैं इसलिए 14 बाय 100। वापस ये ए बाई बी सी बाई डी रूल हो रहा है, तो ये डी जाएगा ए के पास और ये सी जाएगा बी के पास। सिंप्लीफाई होके कुछ ये ऐसा बन जाएगा, 42 × 100 डिवाइड बाय 14 × 100। आपको ये वीडियो सीरीज कैसे लग रही है आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स आएंगे तो हम कुछ और वीडियोस बना पाएंगे, वरना कुछ वन साइड कम्युनिकेशन होगा तो हमें भी कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो कमेंट के अंदर एक बार जरूर लिखें कि सर ये वीडियो सीरीज बहुत ही अच्छी हो रही है और हम इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब 14 है और 42 है, तो हमें मालूम है कि 14 के टेबल में 42 कब आते हैं, 14 × 3 = 42, तो आंसर हमेशा बड़े नंबर के पास जाएगा। अब पीछे से 2 जीरो कट करने हैं आपको, तो ऊपर भी 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है, ऊपर 3 और नीचे 1। मैंने आपको रिडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि नीचे 1 आए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आपका 3 हो गया।
नेक्स्ट हम इसको वापस डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं 0.19। इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, पॉइंट के बाद में वन नंबर है इसलिए हम 10 से इसको दिखाएंगे, और पॉइंट के बाद में दो नंबर हैं इसलिए हम इसको 100 से दिखाएंगे। वापस ये a बाई बी सी बाई डी फॉर्म है, तो ये जाएगा a के पास और c जाएगा b के पास। तो ये हो गया 38 × 100 डिवाइड बाय 19 × 10। अभी पीछे से हम 0 0 कट कर देंगे, और मुझे मालूम है कि 19 के टेबल में 38 कब आते हैं, 19 2 38 बड़ा है तो आंसर ऊपर 2 जाएगा, ऊपर 2 बच रहा है और साथ में 10 भी बच रहा है, नीचे 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 10 20, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम इसको वापस डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 0.16 और ये 8। अब पॉइंट के बाद में दो नंबर हैं तो 16/100 हो गया, और यहाँ पे पॉइंट 8 के पीछे कोई नंबर नहीं है, 8 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो मैंने बोला था कि कुछ ऐसा होता है तो पॉइंट है वो नंबर के पीछे होता है, तो ये 8। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो नीचे मैं 1 लगा रहा हूं, ये 1 जाएगा 16 के पास और 8 जाएगा 100 के पास। एट के टेबल में 16 कब आते हैं, 8 2 16, ऊपर 2 बच रहा है नीचे 100। डिवीजन के अंदर पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है, हमने देखा था डेसिमल का डिवीजन 10, 1000 और 100 से, तो डिवीजन में पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है, यहां पे 2 के पास कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा है तो पॉइंट कहां पे होगा, पीछे होगा, 2 0 है